Hello everybody, welcome back to this channel. This is Akash Vimal. And welcome back. Hanji, I know bahut dinon baad I'm posting this video kyunki thode se problems the regarding my YouTube channel. उसमें थोड़े से टैक्सेशन और टैक्सेस और उन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा मिक्सअप हो गया था और मैं काफ़ी टेंशन में था एज यू कैन सी. पर रेस्क्यूज नहीं रुके हमारे और आई हैव बीन पोस्टिंग रेगुलर स्टफ ऑन इंस्टाग्राम और अभी हमने फेसबुक पे भी एक पेज स्टार्ट किया है. वो सब बाद में बताऊँगा प्रमोशन की बातें. तो आज आई थॉट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो करते हैं. बहुत टाइम से वीडियोज़ नहीं डाले थे, 2-3 हफ्ते हो गए हैं. सो लेट्स स्टार्ट एवरीथिंग बैक. आज हम मिलेंगे मेरे सारे बच्चों से एंड दिस इज माय रॉयल बॉल पाइथन. बहुत ही सुंदर तरीके से बड़ा होता हुआ, इसकी डाइट भी बढ़ गई है अब. और हाउ वी गोना मीट मेरे सारे बच्चों से. पूरा दिन एक थोड़ा सा गुजारते हैं एंड यस लेट्स गो. माय छोटा सा कछुआ द रशियन सल्कटा टॉर्टोइस, ही इज हैविंग द सेम थिंग्स लाइक जस्ट माय इगुआना. पर इसको मीठा बहुत पसंद है, इसको फ्रूट्स इतने पसंद हैं और ये इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होता है ब्राइट कलर्स से. दैट्स हाउ टॉर्टोइस फाइंड देयर फूड इन द वाइल्ड. कलर्स के थ्रू ही वो ना अपना खाना पहचान पाते हैं जब वो जंगल में होते हैं, तो ये भी वही करता है. और अगर कोई भी हल्का सा डार्क कलर हो जाए तो ये उसकी तरफ भाग पड़ता है एंड स्टार्ट्स बाइटिंग इट. इट्स वेरी वेरी क्यूट. ही इज़ वन ऑफ द क्यूटेस्ट क्रिएचर्स. आई लव कछुए. और इसका नाम हमने रखा है हैप्पी सिंह. हैप्पी सिंह ऑब्वियसली क्योंकि इसकी शक्ल हमेशा हैप्पी रहती है. मतलब ही इज माय वन ऑफ माय फेवरेट्स एंड ही क्यूटेस्ट. ही इज़ द क्यूटेस्ट. ये पूरे दिन ऐसे घूमता रहता है यहाँ पर. और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बास्किंग का कितने टाइम बास्किंग करानी चाहिए इनको, कितनी नहीं. तो हमें हमेशा ना दूसरे जानवर के ऊपर छोड़ना होता है उसका हाल. यू कैन नॉट हैव देम बास्क फोर्सफुली. हमें फोर्स करके बास्क नहीं कराना होता. यू कैन जस्ट कीप हिम. आप उसको रखो आराम से जहाँ पर बास्किंग लाइट है उसके पास, या फिर मैं तो सनलाइट दिखाता हूँ. आई प्रेफर कि सनलाइट में दिखाऊं उसको ज़्यादा से ज़्यादा. तो सनलाइट में अगर आप रखते हो उसको तो लेट बी ऑन हिज ओन. उसको अगर गर्मी लगेगी तो वो जाएगा ही, और उसको जाने दो, आसपास घूमने दो उसको. और इट्स लाइक दैट. इट शुड बी अ टोटल फ्रीडम. आई सेड जस्ट डोंट टॉर्चर. और दिस इज़ हाउ इट इज़. ये ऐसे घूमता रहता है. और अभी मैं भी इसका बहुत सुंदर इंक्लोजर बनाने वाला हूँ एंड इट्स गोना बी अ सरप्राइज. आई एम श्योर यू गाइज वुड लव इट. एक थोड़ा जंगल टाइप का आई एम गोना हैव इट एंड दिस इज हाउ इट इज. एंड दीज आर माय ब्लैक हुडेड रैट्स. इनके बारे में लोगों को काफ़ी कम पता होता है, पर रैटाटुई द मूवी, द फेमस मूवी, जिनकी वजह से इनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. ऐसी कोई बात नहीं है. ये दे आर काइंड ऑफ यू नो काइंड ऑफ रेस्क्यूड रैट्स. नोबडी वांटेड टू कीप देम. सो यस आई हैड देम. मैंने इनको ना सोचा था कि अडॉप्शन के लिए मैं इनको पुटअप कर दूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था. पर फिर एक्चुअली नोबडी केम क्योंकि लोगों को ना वो वाले पेट्स चाहिए होते हैं. इगुआना दे दो लोगों को, बॉल पाइथन्स दे दो. तो इन तीनों को मैं रख रहा हूँ. ये तीनों भाई नहीं हैं, ये कजन्स टाइप हैं थोड़े से. और एक को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसकी थोड़ी सी हेड टिल्ट हुआ रहता है. और मतलब वो सीधा नहीं चल पाता, थोड़ी ट्विचिंग है उसकी बॉडी में, थोड़े झटके झटके लेता है. पर इट्स गुड. वो इतना ज़्यादा खाता है और लोगों से छीन छीन के खाता है, और चूहे अगर उसको खाना ना दें तो उनको मारता लगे. तो वो अच्छे से जी रहा है. और अब मैंने सोचा है कि अगर कोई इनको रखना चाहता ही नहीं है तो आई विल बी कीपिंग देम और आई विल गिव देम अ गुड लाइफ. उनको बहुत अच्छी सी जिंदगी दूंगा. और चाहो दे आर हैविंग फन. वो पूरे दिन पड़े रहते हैं मस्त एकदम. दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग. सो यस आई हैव अदर मेम्बर्स ऑल्सो. पर आई एम श्योर अगर मैं उनको आपको दिखाऊंगा तो थोड़े से आप बोर हो जाओगे. सो आई विल शो यू द मोस्ट कलरफुल वन. दिस इज टोटो हेटिंग मील फॉर एवर. और ये भी मस्त ही है, चिल कर रहा है.
डोंट वरी, मैं इसको केज में नहीं रखता हूँ, मेरी मम्मी इसको केज के बाहर निकालती हैं, और मेरी मम्मी ही निकालती हैं, इनफैक्ट वो रूम बंद करके इसको बाहर रखती हैं, अगर कोई एंटर हुआ रूम में तो ये मार डालता है। आई डोंट नो, आई डिडंट गेट दिस, ये बीच में बहुत ज़्यादा मेरे साथ फ्रेंडली भी हो गया था, पर फिर मेरी मम्मी मुझे कहती है मैं टाइम नहीं दे पाया प्रॉपरली, तो दैट्स हाउ यू नो ही स्टार्टेड हिटिंग मी, बट ठीक है, ही इज बीइंग फाइन, मेरे साथ रहे मेरी मम्मी के पास, तो दैट इज़ व्हाट इट इज। मेरा नाश्ता हुआ तो था फॉरएवर डांसिंग पैरट, और भी आई नो बहुत सारे लोग हैं और भी मिलवाने के लिए, पर आई विल जस्ट लीव द वीडियो हेयर ओनली। लेट्स सी, आगे एक वीडियो आने वाला है, आई डोंट नो यू गाइज माइट हेट मी आफ्टर दैट, पर ठीक है, मुझे कुछ चीज़ें हैं जो कि एक्सपोज करनी हैं, तो यस दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड आई एम नॉट किडिंग, और मैं मजाक नहीं कर रहा, झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, आई प्रॉमिस। सो यस एवरीबडी।